हे एवरीवन, सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, यू नो व्हाट दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट. एंड आई फील आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ वीडियो वेयर इन आई विल बी शेयरिंग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया विद दिस लहंगा. और मेरे पास कुछ फन क्लिप्स भी हैं ऑफ द इवेंट, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यूजुअली मैं अपना मेकअप हमेशा आईज के साथ स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज एक चीज़ जो मेरे मेकअप में मोस्टली होती है, दैट इज़ अ विंग्ड आईलाइनर. और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फाउंडेशन, कंसीलर इन सब को पोतने के बाद आईलाइनर लगाऊं. व्हाट इफ वो फैल गया? हु हैज़ द कैपेसिटी टू वॉश देयर फेस? सो आई स्टार्ट विद आई मेकअप. और आई मेकअप में भी मेरी गो टू थिंग है कि मैं ब्रॉन्जर लेती हूँ ऑन अ फ्लफी ब्रश एंड आई यूज़ इट एज एन आई शेडो. दीज डेज आई एम यूजिंग द हुला ब्रॉन्जर बाई बेनिफिट एंड दिस इज़ एक्चुअली द मिनी वर्जन. आई फील मिनी वर्जन एक ज़्यादा आई वुड से बेटर ऑप्शन है दैन बाइंग अ फुल साइज्ड मेकअप. उनको क्विकली यूज़ करो, अगर यूज़ नहीं भी हुआ, एक्सपायर हो गया, फेंकते हुए भी बुरा नहीं लगता, इफ यू नो व्हाट आई मीन. सो एक बार मैंने ब्रॉन्जर लगा लिया, नेक्स्ट आई हैव टेकन दिस आई शेडो फ्रॉम द स्विस ब्यूटी पैलेट. और इसको मैं उंगली की मदद से अपनी आईलेट पर लगा रही हूँ. ये आई शेडो ऐसा है जो उंगली से ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग एनीथिंग फ्रॉम स्विस ब्यूटी. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस ब्रांड, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा था. और फिर किसी ने थोड़ा सा मेकअप भेजा फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन अ PR किट, एंड मैंने ये ट्राई करा और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आई शेडो. और फिर मैंने ब्रॉन्जर से एक बार फिर सब कुछ ब्लेंड कर लिया. सो मेरे लिए आईलाइनर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मेरी आई शेप कुछ ऐसी है कि अगर आईलाइनर ना लगाओ ऐसा लगता है मैं सो के उठी हूँ. सो हियर आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन लिक्विड आईलाइनर. आईलाइनर के साथ बात कुछ ऐसी होती है कि आप सोचते हो आज मैं ऐसा बनाऊंगी, एंड व्हेन यू स्टार्ट ड्रॉइंग इट, दोनों को बराबर करने में यू डोंट नो वो कितना मोटा हो जाएगा. सो हियर इज़ जस्ट वन ऑफ माई अटेम्प्ट्स इस आईलाइनर को बैलेंस आउट करने की. एंड बाय द टाइम आई वाज डन विद माय आईलाइनर, मैं बहुत थक चुकी थी. आई थॉट ठीक है, बाकी आई मेकअप बाद में करूँगी, सबसे पहले आईब्रोज करती हूँ. सो आईब्रोज के लिए एक्चुअली पिछले आई थिंक 7-8 महीनों से आई हैव बीन डूइंग अ डिफरेंट रूटीन. सो पहले मैं क्या करती थी, मैं आईब्रो पेंसिल लेती थी और उससे आईब्रो फिल करती थी लाइक मोस्ट ऑफ अस. बट फिर ये ब्राउ ब्रो है, दिस इज़ बेसिकली अ वैक्स जिस पर आप थोड़ा सा या तो स्प्रे कर लो मेकअप सेटिंग स्प्रे या फिर पानी डाल लो, और इस तरीके से ब्रश से आप आईब्रो हेयर को सेट कर लो इन द डायरेक्शन यू वांट. मैं यूजुअली अप और राइट की तरफ कुछ बीच में सेट करती हूँ बाल, एंड आई जस्ट लेट इट बी. उसके बाद मैं कोई पेंसिल से कुछ फिल नहीं करती, और आई फील लाइक मुझे ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू द लास्ट टाइम जब मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर लेती थी. सो दैट इज़ इट फॉर माई आईब्रोज. एंड देन कमिंग बैक टू आईज, आई थॉट चलो बचा है जो भी वो कम्प्लीट कर लेते हैं. सो आई कर्ल्ड माई आई लैशेज, देन यूज्ड अ मस्कारा. फिर मैंने काजल लिया, FYI दिस इज़ माई फेवरेट काजल, इट्स बाय नायका. और ये जेट ब्लैक है और ये बहुत ज़्यादा फैलता भी नहीं है. आई मीन आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी काजल है जो बिल्कुल भी नहीं फैलता. ये भी फैलता है बट बहुत माइनर, एंड आई लव हाउ जेट ब्लैक इट इज़. और लोअर लैश लाइन पर मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि मैं आईज़ को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी. सो वॉट आई डिड इज़ मैंने वही ब्रॉन्जर लिया, आई लाइक ब्राउन्स इन माई आईज़. सो वो लिया ऑन स्लाइटली डेंसर ब्रश और उससे लोअर लैश लाइन को लाइन कर लिया, एंड दैट इज इट फॉर माय आईज एंड आईब्राउज. नाउ मूविंग ऑन टू द फेस, आई डिड मॉइस्चराइज माय फेस बिफोर और अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ. दिस इज द लॉरियल बेस मैजिक प्राइमर, वन ऑफ माय फेवरेट्स. और मेरा ऐसा है कि एज यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्सचर ऑन माय फेस, तो मेरा काम बिना प्राइमर के नहीं चल सकता. सो दिस स्मूदन्स आउट माय स्किन अ लिटिल बिट, हल्का सा टेक्सचर भी कम हो जाता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पीच कलर करेक्टर बाय के ब्यूटी. इसको मैं जहाँ पर एक्ने स्पॉट्स हैं या अंडर आई एरिया में हल्का सा कलर करेक्शन कर रही हूँ. और इसके बाद आई एम यूजिंग माय फेवरेट फाउंडेशन बाय मिलानी. लाइक आई टोल्ड यू आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्सचर ऑन माई फेस क्योंकि मेरी एक्ने की हिस्ट्री रही है सिंस आई वॉज 13, और अभी भी कभी कभी पिम्पल्स आ जाते हैं. तो मैं जब भी फाउंडेशन लगाती हूँ ना, आई लाइक अ फ्लॉलेस फिनिश. सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज फाउंडेशन विच आई थिंक इज़ इन अ बजट. और इसको लगाने के बाद ना मेरी स्किन बड़ी स्मूथ लगती है. सो आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन एंड आई बीन यूजिंग इट फॉर लाइक 3 years now. और इसके बाद मैंने
कॉन्टूर किया। कॉन्टूर में भी बेसिकली क्या किया कि ये स्टिक है बाय के ब्यूटी, इससे हल्की सी चीक बोन्स हाईलाइट करी अराउंड द फोरहेड, और ये जो हमारी जॉ लाइन है उधर ड्रॉ करा। इससे क्या होता है कि यूजुअली मेरा फेस ओवल लगता है और बिल्कुल अंडे जैसा लगता है, सो व्हेन आई डू दिस थिंग मेरे फेस में एक थोड़े कट्स आ जाते हैं, शेप आ जाती है, आई फील इट लुक्स अ लिटिल बिट स्लिमर एंड लाइक इट हैज़ कट्स। सो ये वाला इफेक्ट आ जाता है इस पेंसिल को यूज़ करने से, बेसिकली इट्स अ स्टिक। और फिर इसके बाद मैंने ब्लश लगाया, ये लिक्विड ब्लश है बाय बेनिफिट, और फिर मैंने वही जो ब्रॉन्जर जिसको मैंने आईज़ में यूज़ किया था उसी से और इंटेंस कर लिया जो भी मैंने कट्स बनाए थे सो कॉल्ड अपने फेस पर, एंड दैट इज़ मोस्टली इट फॉर माई फेस। हाईलाइटर लगाया और मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया विद द पाउडर, फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाई। मेरे लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये मैक फिक्स प्लस मुझे बहुत सही लगती है। इसके जब मैं इसको लगा लेती हूँ ना, मुझे पता है मेरा मेकअप मूव नहीं होगा, सो आई रियली एन्जॉय दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे। लास्टली लिपस्टिक लगानी थी, सब कुछ तो हो चुका है, सो हियर आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर बाय मैक, दिस इज़ द शेड सोर। इससे मैंने लाइन करी लिप्स, और फिर मैंने ये मैक मिनी में मैंने वेलवेट टेडी खरीदी थी लिपस्टिक, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। जब भी मैं कोई ऐसा करती हूँ आई मेकअप जिसमें थोड़ा डार्क इंटेंस होता है तो मुझे ये लिपस्टिक लगाना बहुत सही लगता है। इट इज़ दैट पिंकी न्यूड एंड आई फील लाइक ये मेरे फेस पे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने लिपस्टिक लगाई एंड दैट इज़ इट फॉर माई मेकअप। नेक्स्ट बालों की बारी थी, सो बालों के लिए मैंने सोचा था मैं एक मेसी बन बनाऊंगी, एंड लिटरली अभी जो मेरे बालों की हालत है यू कैन टेल इट्स मेसी ऑलरेडी। सो मैंने रैंडमली पहले तो साइड पार्टिंग करी और उसके बाद बालों के सेक्शंस लिए और उनको रैंडमली ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। हियर आई वॉन्ट टू शेयर अ बिलीफ ऑफ माइंड इफ़ यू से सो, सो आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ परफेक्शन विद माई स्टाइलिंग विद माई हेयर मेकअप। जब चीज़ें हल्की सी रॉ लगती हैं ना मुझे वो अच्छी लगती हैं, आई लाइक अ लिटिल रॉनेस। अगर बाल बिल्कुल परफेक्ट हो और मेकअप बिल्कुल परफेक्ट हो, आउटफिट मुझे ना ऐसा लगता है ओके नो समथिंग इज रॉन्ग, सो आई लाइक अ लिटिल रॉनेस इन माई लुक एंड यू कैन क्लियरली टेल इट फ्रॉम माई हेयर डू विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी रॉ राइट नाउ। सो मैंने बस रैंडमली बालों को ट्विस्ट करा, एक जूड़ा बना लिया और सामने से कुछ फेस फ्रेमिंग बिट्स निकाल लिए और ये मेरा हेयर स्टाइल बन गया। देन फॉर माई ज्वेलरी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो मैंने सोचा था वो नेक पीस नहीं आ पाया, सो मैंने ये वाला नेक पीस पहना और इसके बाद था पूरा लुक रिवील करना। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने दुपट्टा कैसे सेट करा। बेसिकली पीछे से लिया और एक तरफ टक इन कर लिया और एक तरफ से बिल्कुल प्लीट करके आगे छोड़ दिया एंड ऊपर से बेल्ट बांध ली जो कमर बंद है या बेल्ट है जो लहंगे के साथ आई है, और इस तरीके से मेरा आउटफिट लग रहा है। हाय गाइस, सो हम बैठ गए हैं कार में एंड वील रीच ऑन टाइम थैंक गॉड। आई वॉन्ट टू शो अ सरप्राइज गेस्ट दैट इज वैभव। ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं और मेरी सिस्टर सृष्टि, प्लीज से हाय। सो प्लान ये था कि सृष्टि ड्राइव करेगी और हम दोनों साथ में जाएंगे, बट देन लास्ट मिनट वैभव सेड कि मैं सोच रहा हूँ मैं भी चलता हूँ टू सपोर्ट यू गाइज एंड इट इज अमेजिंग टू हैव वैभव। वैभव तुम भी आए बोल लो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ज्वेलरी और सब अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल को लेकर मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, बट वहाँ पे हम पिक्चर्स क्लिक करके देखेंगे, यू विल सी कैसा लग रहा है, फिर वॉशरूम में जाके चेंजेस कर लेंगे। रेस दिस इज़ माई लुक, आई विश आप इन पर्सन मुझे बता पाते मैं कैसी लग रही हूँ, बट ठीक है। सो अब मैं वहाँ मिलती हूँ आपसे। ओके, सो एक बार जब हम ताज पहुँचे वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए थे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मैं नर्वस हो गई थी। सो हियर आर अ कपल ऑफ इमेजेस जो मेरी बहन ने क्लिक करी, और कार में जो मैं 40-45 मिनट्स बैठी रही ना उस वजह से लहंगे पर जो एम्बेलिशमेंट्स थी, जो सिप्पियाँ लगी थी वो मेरे पेट पर छप गई एंड यू सी द रेडनेस ऑन माई स्टमक, या दैट इज़ द हाइट ऑफ माई सेंसिटिविटी। एंड आई टोल्ड देम दिस एंड अरे कुछ नहीं होता, आप फोटो खिंचवाओ, आप इतने अच्छे लग रहे हो। सो प्लस आई वॉज एक्चुअली सो हैप्पी टू हैव बोथ माई सिस्टर एंड वैभव अराउंड। बस हमने हैंग आउट करा, शो देखा, अदिति राव है, आद्री आई थी, वाओ शी हैज़ दैट ऑरा ऑफ रॉयल्टी अराउंड हर, और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी प्रेजेंस एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। शो भी बहुत अच्छा था, आई फेल द क्लोथ्स वर
amazing. Like amazing is the word. The clothes were so good. That is it for this video. I really hope aapko ye video dekhkar acha laga, and I will see you super soon. Take care, bye.